जय हिंद दोस्तों। तो आज शुरुआत में ही जय हिंद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेना ने काम ही ऐसा किया है कि एक जय हिंद लिखना तो बनता है। और उम्मीद करूंगा कि वीडियो के अंत में आप भी इंडियन आर्मी के नाम जय हिंद जरूर लिखेंगे। तो देखिए, भारतीय सेना जब भी कोई बड़ी कार्यवाही करती है तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो दोस्तों, बात हो रही है एनकाउंटर की, जिसमें 4 जिहादियों को सेना ने ढेर कर दिए। ये जिहादी नहीं थे, ये हाइब्रिड जिहादी थे जो पाकिस्तान के आतंकियों से भी खतरनाक हैं। शायद आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन फिलहाल घाटी में हाइब्रिड जिहादियों का काफी ट्रेंड चल रहा है। अब हाइब्रिड जिहादी यानी देश के ही कुछ गद्दार लोग, जिनका मजहब के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाता है और थोड़े बहुत पैसों का लालच देकर मनचाहा काम कराया जाता है। रिपोर्ट बताती है कि घाटी में बहुत से युवा फिलहाल बेरोजगार है, क्योंकि कश्मीर का जो शाही परिवार है उसने कभी कश्मीरी युवाओं को अच्छी खासी पढ़ाई देने के बारे में नहीं सोचा। उनके दिमाग में सिर्फ यही भरा गया कि कश्मीर हमारी प्रॉपर्टी है और ये हमारी ही रहेगी, ना ये भारत का हिस्सा है ना ही पाकिस्तान का। कश्मीर एक आजाद घाटी है जिसे लेकर हमें लड़ाई लड़ती रहनी पड़ेगी। और आपको तो पता है कि महबूबा मैम ने इस पर कितनी सारी भसन दी है। तो देखिए, जब एक युवा ऐसे बेरोजगार होकर घर में बैठता है और ऊपर से वो आलसी हो, तो उसके दिमाग में शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने के बहुत सारी आइडियाज आते रहते हैं। और ISI तो इसी ताक में बैठी रहती है कि उसे ऐसे आदमी कब मिलेंगे। तो अभी जो एनकाउंटर हुआ वो कश्मीर घाटी के 12 मोला जिले में किया गया, जहां पर ये जिहादी किसी दुकान में छिप कर बैठे थे। इंटेलिजेंस के मुताबिक कुल 4 जिहादी थे, यानी 2 पाकिस्तानी और 2 हमारे हाइब्रिड देशद्रोही। ये हाइब्रिड आपके साथ कॉलेज जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, आपके साथ बोलेंगे भी और समाज में भी रहेंगे, लेकिन जब इन्हें मजहब के नाम पर कोई मिशन दिया जाएगा तब यह अपने आप को उड़ाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यानी यह हमारे साथ होते हुए भी हमारे नहीं होते, इसलिए तो यह पाक जिहादियों से भी खतरनाक है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक जब हमें पता चला कि चारों किसी दुकान में छिपे हैं, तो सबसे पहले तो हमने उस दुकान को चारों ओर से घेर कर उन सभी को बाहर आकर सरेंडर करने को कहा। उनसे ये तक कहा गया था कि उन पर कोई भी जवान गोली नहीं चलाएगा, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को नजरअंदाज करते हुए और अपने भगवान का नाम लेते हुए सीधे हम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद हमारे जवानों ने भी फौरन पोजीशन लेते हुए जवाबी कार्यवाही शुरू कर दी और उनके बाहर आने से पहले ही उन्हें दुकान में ही ढेर कर दिया। इंटेलिजेंस का कहना है कि ये सभी जिहादी 12 मुला में जो मिलिट्री क्वार्टर्स है उन्हें निशाना बनाने के मकसद से आए थे, ताकि बड़ी संख्या में भारतीय सुरक्षा बलों को मारा जा सके, लेकिन ये खुद निशाना बन गए। सेना का कहना है वार्निंग देने के बावजूद भी ये नहीं माने, इसीलिए इन सबको मारना ही हमें सही लगा। और दोस्तों, मैं पर्सनली कहूं तो सेना ने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि अगर ये गद्दार इन पाकिस्तानियों के साथ मिलकर जवानों पर हमला कर सकते हैं तो कल को भारत विरोध में पाकिस्तान के लिए प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो ऐसो को समय रहते रोकना अनिवार्य है। आप बताइए दोस्तों, सेना ने इन चारों का एनकाउंटर करके सही किया या गलत? और अगर सही किया तो उसके लिए जय हिंद जरूर लिखें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।